चलिए शुरू करते हैं आज दिन भर की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुंबई में 5311 किफायती मकान की बिक्री के लिए लॉटरी का हुआ है ऐलान, 16 अक्टूबर से भर सकेंगे आवेदन। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर भाजपा की बड़ी बैठक, आज होगा घोषित उम्मीदवार की लिस्ट होगी जारी। एशियन गेम 2023 भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम में रचा इतिहास, पहली बार जीता सिल्वर मेडल। 2024 में भाजपा को हराएगी गठबंधन सरकार, नवरात्र में वीआईपी सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा करेंगे अखिलेश यादव। जैगुआर 2030 तक भारत में ईवी लॉन्च करेगी, अगले साल रेंज रोवर ईवी का ऑर्डर लेना शुरू करेगी कंपनी, 2025 से होगी डिलीवरी। वर्ल्ड कप मैच को लेकर 15 गुना बढ़ गया है टिकटों का किराया, कई होटलों ने 15% बढ़ा दिया है अपने टिकटों का दाम। पीएम मोदी ने तेलंगाना में इन 5 बड़े प्रोजेक्ट की रखी है नींव, 13,500 करोड़ की सौगात, पीएम मोदी ने तेलंगाना के जनता को दिया है बड़ा राहत। लॉन्च होने के 15 दिन के बाद गर्म हो रहा है आईफोन 15 प्लस, कंपनी पर आ रही है शिकायत, कंपनी जल्द निकालेगी इसका समस्या का समाधान। अग्निवीर भर्ती योजना में हो सकता है बड़े बदलाव, 25% की जगह आप 50% अग्निवीर होंगे अस्थाई। बरेली में ईद मिलादुन नबी का जुलूस का रास्ता रोकने वाले 44 महिला और पुरुष पर एफआईआर दर्ज, सीसीटीवी से हो रही है सिनास्त। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात, गांधी जयंती के मौके पर करोड़ों योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। कोलकाता मेट्रो में हुआ है बड़ा बदलाव, अब मेट्रो में ट्रेन सफर करने के दौरान बच्चों का होगा मनोरंजन, देख सकेंगे कार्टून शो का मजा। बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों को चुनाव को लेकर हुई है गोलीबारी, जमकर चली है लाठी डंडे, एक महिला समेत 4 हो गए हैं जख्मी। SBI बैंक में निकली है भर्ती, 5,000 पदों पर कर सकेंगे आवेदन, 1 अक्टूबर से फॉर्म भराना हो चुका है शुरू, सभी राज्य के स्टूडेंट कर सकेंगे आवेदन। राजस्थान के सरदाना कपसाड़ गांव में बुखार का कहर, 25 दिन में 15 से अधिक लोगों का हो गया मृत्यु, सरकार ने बुलाया है आपातकाल बैठक। स्पेन के नाइट क्लब में भीषण आग, 13 लोगों की मौत, अभी भी शवों को निकालने का NDRF टीम कर रही है, गश्त लगाया गया है, लोगों को निकालने का काम जारी। बाइक खरीदने वालों के लिए बुरी खबर, 3 अक्टूबर से बढ़ने जा रहा है बाइक का कीमत, 1% तक महंगा हो जाएगा बाइक। अमेरिका शटडाउन को लेकर बड़ी खुशखबरी, ठप होने वाला था बाइडेन सरकार का कामकाज, आखिरी वक्त में टल गया है खतरा। ओल्ड पेंशन को लेकर बड़ा बवाल, दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशनधारी करने जा रहे हैं प्रदर्शन, देश भर में दिखेगा इसका असर। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, 12वीं में 60% मार्क्स नंबर पाने वालों को मिलेंगे लैपटॉप और अव्वल आने पर मिलेगा 1-1 स्कूटी। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने दी है बड़ी राहत, अब ग्राहकों को नहीं खरीदना पड़ेगा स्मार्ट मीटर, मुफ्त में योगी सरकार देगी स्मार्ट मीटर लगाने का मौका। सोना चांदी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, सितंबर में 2221 रुपया सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी 5800 रुपये का आया है गिरावट। यूपी में बीते 8 महीने के दौरान 1921 हत्याएं हुई है, सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर नजर रखने को लेकर पुलिस को दिया हिदायत और हाई अलर्ट का किया है चेतावनी। जियो बुक को टक्कर देगा गूगल, HP ला रहा है सस्ता लैपटॉप, कीमत होगा 10,000 से शुरू। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम ने रची है बड़ी साजिश, भारत के पूर्व कोच को अपनी टीम में किया है शामिल। WHO ने सभी देश को दिया है चेतावनी, देश में फिर बढ़ेगा कोरोना, 24 घंटे में भारत में आए हैं 56 नए मामले, एक्टिव केस की संख्या में हुआ इजाफा।
आम आदमी पार्टी सरकार के नेतृत्व में समृद्ध हो रहा है पंजाब। सीएम मान ने 138 करोड़ की लागत से पशु चारा प्लांट का किया है शिलान्यास। आम आदमी के लिए आई है राहत भरी खबर। एलपीजी सिलेंडर के घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार ने कर दिया है 157 रुपये सिलेंडर सस्ता। वही कमर्शियल गैस वालों के लिए बुरी खबर। 209 रुपया आज से कमर्शियल गैस का कीमत में सरकार ने किया है बढ़ोतरी। इंडिगो की फ्लाइट में इंजीनियर ने एयर होस्टेस से की है छेड़छाड़। पटना एयरपोर्ट पे पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेज दिया जेल। एनआईटी राउरकेला दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी में हुआ है शामिल। 601 से 800 बैंड में मिला स्थान। इस हफ्ते सोना चांदी में आई है बड़ी गिरावट। सोना में 1385 रुपया फिसल कर 58,000 के नीचे आया। वही चांदी में भी 2,000 रुपया का आई है भारी गिरावट। भारत बनाम इंग्लैंड वार्म अप मैच में बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच। अगले दिन होगा मैच, इसको लेकर आईसीसी की तरफ से दिया गया है जानकारी। कांग्रेस की रैली में सिद्धू मूसावाला को आरपीजी से उड़ाए जाने का था प्लान। लॉरेंस बिश्नोई का सनसनी खेज हुआ है खुलासा। 1 अक्टूबर से सस्ता हो सकता है एलपीजी सिलेंडर। आने वाले चुनाव को लेकर सरकार कर सकती है बड़ी घोषणाएं। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती का विज्ञापन हुआ है जारी। 1275 वैकेंसी में कर सकेंगे आवेदन। 5 अक्टूबर से भराएगा फॉर्म। 3 अक्टूबर से पहले खरीद ले इस कंपनी का मोटरसाइकिल। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी 3 अक्टूबर से महंगा करने जा रही है अपनी कंपनियों का तमाम बाइक। चार धाम यात्रा में केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा में जबरदस्त रिस्पांस। 25 मिनट में बुक हुआ है 15,000 का टिकट। FBI ने दिया है चेतावनी। निज्जर की हत्या के बाद अब उनके साथी पर हमला होने का हुआ है अलर्ट जारी। लोगों को दिया है चिंता होने का विषय। चंडीगढ़ हरियाणा में आयुर्वेद में पीजी के लिए नियम हुआ है सख्त। बीच में पढ़ाई छोड़ी तो 3 साल का लग जाएगा प्रतिबंध। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क का बड़ा ऐलान। ट्विटर पर भी आप कर सकेंगे बम्पर कमाई। एलोन मस्क ने कंटेंट क्रिएटर को बांटे हैं 166 करोड़ रुपया। सरकार ने प्याज की इस किस्म से हटाई है एक्सपोर्ट ड्यूटी। कीमतों में आने वाली है प्याज में भारी गिरावट। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। भारत में बेरोजगारी दर में आई है गिरावट, लेकिन 25 की उम्र के 42% युवा आज भी है बेरोजगार। पंजाब में रेल रोको आंदोलन का तीसरा दिन जारी। 44 ट्रेनें हो गई है रद्द। 20 के रूट भी आज से बदल दिए गए हैं रेलवे की तरफ से। जल्द ही लोगों को उपलब्ध होगी सब्सिडी वाली होम लोन योजना। प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने का सरकार कर रहा है तैयारी। क्रूड ऑयल की कीमत में $95 प्रति बैरल तक पहुंची। 3 महीने में 30% तक बढ़ गया है क्रूड ऑयल का दाम। और महंगा हो सकता है पेट्रोल और डीजल। न्यूयॉर्क में बाढ़ के कारण आपातकाल की घोषणा। सड़कें और हवाई अड्डे पर टर्मिनल बंद। लोग हुए हैं बेहाल। इसरो ने आदित्य L1 को लेकर किया बड़ा खुलासा। बताया 9 लाख किलोमीटर तक तय कर चुका है L1। पृथ्वी से इतने दूर पहुंच गया है और भेज रहा है ताजा ताजा तस्वीर। महिला आरक्षण के बीच RJD नेता अब्दुल बारी के बिगड़े बोल। कहा अब लिपस्टिक और छोटे बालों वाली महिलाएं आ जाने से आपकी हक मार लेगी। बढ़ती सुसाइड को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान। सुसाइड रोकने के लिए गहलोत सरकार जारी करेगा नया गाइडलाइन। कोटा में कोचिंग सिस्टम में हो जाएगा बदलाव। 2000 के नोट बदलने की बढ़ी डेडलाइन। उपभोक्ता 7 अक्टूबर तक अब बदल सकेंगे 2000 के नोट।